वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट इज होलजोइक न्यूट्रिशन एंड बी इज एलिमेंट्री कैनल। तो होलजोइक न्यूट्रिशन देख लेते हैं हम पहले। दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स eat food that they may be in solid or in liquid state. Okay, and the B is what is alimentary canal. Alimentary canal is the long muscular tube in the human body through which food passes after its ingestion. Okay, question number 2 is what is assimilation. Okay, the answer is the absorbed food is utilized by the body for growth and formation of body parts. This is known as assimilation process. Okay, the B part is what is rumination. Okay, the process of chewing cud thoroughly is called rumination. The process of chewing cud thoroughly is called rumination. Next is question number 3. हमें दिया गया है define the organs that make up the human alimentary canal. Okay, तो answer is the organs that make up the human alimentary canal are कौन कौन से होते हैं. Mouth and buccal cavity, food pipe, second is food pipe और also phagus जिसे हम बोलते हैं. Third is stomach, is large intestine, fifth is small intestine, ये fifth है ये fourth है, and sixth is osteophagus, sixth is anus. Okay, the organs that make up the human alimentary canal is mouth and buccal cavity, food pipe or osteophagus, stomach, large intestine, small intestine and anus. ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है. द क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो हमें डिफरेंस बताना है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिल्क टीथ की. मिल्क टीथ क्या होती हैं. दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन ए बेबी इज 6 or 7 मंथ्स ओल्ड. दे आर 20 इन नंबर्स. मिल्क टीथ क्या होते हैं हमारे, जो हमारे 6-7 मंथ से हमारे आने आरंभ हो जाते हैं और वो 20 होते हैं इन नंबर्स में. तो लेट्स सी द परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ कौन से होते हैं. परमानेंट टीथ दे स्टार्ट अपीयरिंग व्हेन ए चाइल्ड इज अराउंड द एज ऑफ 6 ईयर्स. दे आर 32 इन नंबर्स. ओके, दीज आर द डिफरेंसेस इन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. क्वेश्चन नंबर 5 इज टाइप्स ऑफ, हमें बतानी है टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ. टाइप्स ऑफ टीथ बतानी है हमें ह्यूमन माउथ में. द 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड कैनाइन्स. ओके, इंसीजर्स, उसके बाद आते हैं कैनाइन्स, सेकंड पे हमारे आते हैं कैनाइन्स, थर्ड पे प्रीमोलर्स एंड फोर्थ पे मोलर्स. ओके, सबसे पहले हमारे आते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. आपको ऐसे लिखना है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें, तो आपको ऐसे लिखना है नंबर वाइज. क्वेश्चन नंबर 6 इज वट इज़ द यूज़ ऑफ इंसीजर और प्रीमोलर्स. इंसीजर और प्रीमोलर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो आंसर इज इंसीजर्स आर यूज फॉर कटिंग द फूड. इंसीजर्स आर यूज फॉर कटिंग द फूड एंड प्रीमोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 वट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक. द रोल ऑफ acid in the human stomach is to kill the bacteria and also provide the acidic medium
नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम इन द स्टमक. द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक इज टू किल द बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम इन द स्टमक. ओके, एंड द हमारा लास्ट क्वेश्चन है. द लास्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. स्टेट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. फंक्शन ऑफ बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस का बताना है हमें, क्या क्या फंक्शन है इनका. देन आंसर इज द बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. द बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ब्रेक्स देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. ओके, तो ये थे हमारे पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर. थैंक यू. अगर आप ये को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.